बॉयज क्लब कहाँ से अचानक जो है वो फॉर्म हुआ? एक बॉयज क्लब जो है वो आजकल के जमाने में एवरेज एज 55 और वो भी मुस्तफा एवरेज नीचे ले रहे हैं। मिफ्ता भाई जेल गए, उस वक्त मैं इनको एक दो दफा मिलने गया। डार साहब ने इनको काफी तंग कर रखा था और इन्हें दीवार पर नजर आ गया लिखा हुआ। तो मिफ्ता भाई ने मुझे कहा कि यार जरा कॉर्नर में आए तो आपसे एक बात करनी। मुस्तफा वाज अनहैप्पी विद पीपल्स पार्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हमको ये पता है लेकिन हम इस सब कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी वजारत से क्या है? पिछले एक साल में जो पाकिस्तान बदला है वो शायद पिछली काफी दिहाइयों में मेरे ख्याल से उतना बड़े चेंजेस नहीं है। सारी चीजें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रही है। यकीन करें आपने गरेवान के बैठाके आज मुल्क को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, लेकिन यहाँ किसी को परवाह नहीं। कुछ अरसे पहले रियासत का ये ख्याल था कि इमरान खान को लाना कौमी मफाद में, आज रियासत का ख्याल है कि इमरान खान को निकालना कौमी मफाद में। और रियासत इज ओनली एस्टैब्लिशमेंट। डीटीआई भी एस्टैब्लिशमेंट वाली पार्टी है ना। 2011 में भी जलसा उनकी मेहनत से हुआ है, 2014 में भी धरना उनकी मरूड़े मेहनत हुआ है। तो मतलब खान साहब का जो आजकल बड़े दैश में आके वो बातें कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मुझे वापस ले आओ। कराची के बिजनेसमैन एक तक को आपने जेल में भेज दिया भाई, इससे बड़ा गुजर हो सकता है? इन्होंने वहां क्लेम किया था जेल में कि मैं निम्नों का मंडला हूं। यकीन करें जिस मुल्क की आधी आबादी सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी हो, तो आप मुझे बताइए कि उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल? अब रेडिकल सर्जरी चाहिए इस मुल्क को। जिस माशरे के अंदर लोग एक खातून बाजार जाती है, उनकी कमीज के ऊपर सिर्फ अरबी अल्फाज लिखे होते हैं, वो लोग वहां पर सर तन से जुदा के नारे मारना शुरू हो जाए, वो माशरा कहां पहुंचा दिया है? ये मुल्क नहीं चल रहा। पहले इस बात पे आप अपना इत्तेफाक कर लें और ज़हन अपना क्लियर कर लें कि मुल्क नहीं चल रहा। अगर आपको मसला नजर ही नहीं आएगा तो हल क्या ढूंढेंगे? व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट पाकिस्तान कैन डू राइट नाउ कि 5 साल में हम बांग्लादेश की तरह हो? अब ये सोचें, ये शर्म की बात है कि जहां आज बांग्लादेश है हमारी ख्वाहिश होगी द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के हम 5 साल में बांग्लादेश जैसे पॉलिटिशियन हैव टू लुक एट देयर रोल, बट द आर्मी आल्सो हैज टू लुक एट दिस रोल कि यार अभी फेवरेट चेंज करते रहते हैं, ये क्या मजाक है? आवाम के वोट से आओ तो फिर आवाम निकालेगी, जब फौज के वोट से आओगे तो फौज निकालेगी। लेकिन ये जो आजकल जो है ना, जो धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का, ये वाला किस्सा मैं होना चाहिए। ये मुल्क जिनका काम है चलाना उनके हवाले करना पड़ेगा, आपको बैक सीट लेनी पड़ेगी, बैरिक्स में वापस जाना पड़ेगा। एक एक बहुत ज्यादा ये भी मेरे ख्याल से परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि इसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट है। हम एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त छोड़ के आएंगे। हम जहाँ पर थे वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम एस्टैब्लिशमेंट नौकरी कर रहे नहीं है। मुल्क आज चल डायरेक्शन में जा रहा है, आज नहीं बहुत अरसे से जा रहा है, लेकिन हम बहुत आगे पहुंच गए उस डायरेक्शन। हमारी कोशिश ये थी कि डायरेक्शन मुल्क का चेंज करे, और बिल्कुल सियासी जमात की तरफ जाने का ख्याल नहीं था कुछ होकर। लेकिन बहुत से लोग शुरू से कहते हैं सियासी जमात बनाए, सियासी जमात बनाए। जो माशरती अलूम में हम लोगों को पढ़ाते रहे, जो माशरती अलूम हमने बनाए, तारीख तो उसके बिल्कुल उलट है और वी हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर, दैट्स फॉर श्योर। जनरल आसिम के लिए अगर आपका कोई मैसेज हो तो वो क्या होगा?